81 का पानी के लिए गया था, तो अब कौन करके दिखाएगा पानी के लिए केक बना के बारे में? सीधा हाथ से पीना चाहिए, 3 सांस में पानी पीना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोगों ने बहुत सी स्टोरी सुनी होगी उर्दू के पीरियड में, इस्लामिया के पीरियड में, या फिर इंग्लिश के पीरियड में आपने स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज एक स्पेशल डे है स्टोरी टेलिंग डे का। तो आज मैं आपको इस्लामी स्टोरी सुनाऊंगी। जैसे कि अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, तो ईद उल अज़हा जो है वो हमें किसकी याद दिलाती है इसके बारे में बताऊंगी, और आपको आज जो वाक्या सुनाऊंगी वो सारा यहाँ पे मैंने आपको सारा करके बताया हुआ है कि इसमें स्टोरी में क्या क्या आता है, तो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ईद उल अज़हा गुज़री है तो वो हमें किसकी याद दिलाती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इसलिए याद दिलाती है कि तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको पता है अल्लाह ने कितने पैगंबर भेजे हैं इस दुनिया में, कौन बताएगा? जी अब्दुल रज़ाक, अल्लाह ताला ने कितने पैगंबर भेजे हैं? 1 लाख। खड़े हो जाए। 1,24,000। कितने भेजे अल्लाह ताला ने? 1,24,000। ये बहुत से मशहूर पैगंबर हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, नेक बुजुर्ग हैं। तो आज मैं जिस अल्लाह ताला के नेक बंदे और पैगंबर के बारे में आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किसके बारे में बताने जा रही हूँ? ये बना है खाना काबा, ये इस्माइल, और आग बनी हुई है इसके बारे में अभी, साथ में चांद और सितारे बने हुए हैं, सूरज बना हुआ है, और साथ में हैंड बने हुए हैं दुआ के लिए, हाथ बने हुए हैं। उनके हाथ लजीज हुए और उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान आप मेरे दोनों हाथ पांव और मेरी टांगे बांध दीजिए और अपने आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपके हाथ ना कांपे, और आज जब मैं जब मुझे ज़िबा करने लगे हों तो आप वो मंजर ना देख सकें। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे को ज़िबा करने, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अपना हाथ रोक लीजिए, आपने अपना हाथ सच्चा कर दिखाया है, अब वो अपने बेटे को छोड़ा और ये जो तेरे पास मेंढक खड़ा है इसको ज़िबा कर, हम नेकोकारों को बस इसी तरह से नवाजा करते हैं।